बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेलेंट्रेट्स। वी आर ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर इन इमेलिया, अबाउट चैप्टर नंबर 9 है हमारे कोर्स का। सो इन इमेलिया में हम डिस्कस कर रहे हैं मीटाजोन, एंड मीटाजोन आर ऑल दोज एनिमल्स इन विच सेल्स कंबाइन टुगेदर फॉर्मिंग टिश्यूज। उन तमाम ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं मीटाजोन। इससे पहले हमने क्लास ली है स्पॉन्जेस पे, वो होते पैराजोन सिंपल मल्टीसेलुलर, ये है कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। सो सेलेंट्रेट्स का मतलब है सीलोम मीन्स केविटी, सीलोम मीन्स केविटी, एंड एंटेरॉन मीन्स गट। सो दोज ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ हॉलो सैक लाइक केविटी कॉल्ड सेलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रेजेंट होते हैं एक हालो गैस्ट्रो वास्कुलर केविटी, ये ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे आपको ये केविटी नजर आ रही है, दिस केविटी इज कॉल्ड गैस्ट्रो वास्कुलर केविटी, गैस्ट्रो वास्कुलर केविटी। इन गैस्ट्रो वास्कुलर केविटी के बिहाफ हम इसको कहते हैं सेलेंट्रेट्स। सो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सेलेंट्रेट्स दीज आर सिंपल मीटाजोन, दीज आर सिंपल मीटाजोन, एक सादी सी मीटाजोन है। दीज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कॉल्ड नाइडीरियंस। हम सेलेंट्रेट्स को नाइडीरियंस के नाम की के नाम से भी जान सकते हैं। ये नाइडीरियंस क्या होते हैं? इसको नाइडीरियंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन नेडोसाइट्स, एक टाइप सेल होते हैं, इट कंटेन अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड नेडोसाइट्स, एंड दिस नेडोसाइट कंटेन इन ऑर्गेनेल कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट ये एक ऑर्गेनेल है, नेमेटोसिस्ट ये नेडोसाइट सेल है। ये सेल्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड टेंटिकल्स, ये क्या है tentacles, so tentacles are structure that are present around the mouth। ये जो mouth है इसको हम इस mouth को हमने gastrovascular cavity के नाम से आपको indicate की है। so around the mouth tentacles are present, ये गो ये मेरा हाथ है, ऐसे गोल पाम में tentacles present होते हैं इसके mouth के around, and these contain cells, these cells are called nematocytes, and these nematocytes contain एन ऑर्गेनेल कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। अब ये जो नेमेटोसिस्ट है इट रिलीज टॉक्सिन, इट रिलीज टॉक्सिन्स, इसको हम इस नेमेटोसिस्ट को हम नाम देते हैं एक और नेम स्टिंगिंग सेल्स, ये स्टिंग मारती है, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। सो दिस स्टिंगिंग सेल कंटेन टॉक्सिन्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं टॉक्सिन्स, टॉक्सिन का क्या नाम होगा हेपनोटॉक्सिन्स, हेपनोटॉक्सिन है, एंड दिस हेपनोटॉक्सिन बेसिकली है हमारे साथ न्यूरोटॉक्सिन। सो न्यूरोटॉक्सिन है तो इट पैरालाइज द ऑर्गेनिज्म, पैरालाइज द प्रे, पैरालाइज द ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज करा देती है बेसिकली। हेपनोटॉक्सिन दीज आर प्रोटीनियस फ्लोइड, दीज आर प्रोटीनियस प्लोइड है जो कि टॉक्सिन है, एंड दीज आर यूज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। मिसाल के तौर पे ये एक टेंटिकल है, इसमें प्रेजेंट है नेमेटोसिस्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म इसके करीब आ जाती है तो ये स्टिंगिंग सेल है, इसके टिप पे एक नीडल होता है, यहां पे इस सिस्ट को ये जो सिस्ट है नेडोसिस्ट सेल है नेडोसिस्ट, इनमें प्रेजेंट होते हैं टॉक्सिन। अब ये सेल अगर इस ऑर्गेनिज्म की बीच में ये चला जाता है जस्ट लाइक अ स्टिंग, सो इट रिलीज ए टॉक्सिन, यहां पर इस ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिन को इंजेक्ट करा देती है, और ये टॉक्सिन ऑर्गेनिज्म के नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, सो ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज करा देती है, सो इट इज यूज फॉर डिफेंस। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म को इस टॉक्सिन के साथ जब पैरालाइज करती है तो इसको खा भी जाती है, ठीक है। बाद में मैं आपको इंशाल्लाह मूड ऑफ न्यूट्रिशन बताऊंगा कि ये कैसे कराती है।
सो ये तो जल इसका फीचर हो गया कि नेडोसिस्ट, इसको इसलिए कहा जाता है कि ये कंटेन नेडोसाइट्स विच कंटेन नेमेटोसिस्ट, एक अर्गेनिल है एंड दिस अर्गेनिल कंटेन टॉक्सिन, ये रिलीज करती है एक टॉक्सिन, टॉक्सिन का नाम है हेप्नोटॉक्सिन जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, अब हम इसके आते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक को। हैबिटेट में दे आर फाउंड इन वाटर, सो दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक है। बॉडी साइमेट्री में ये है रेडियल साइमेट्रिकल बिकॉज दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड ऑल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आर रेडियल साइमेट्रिकल, मींस दैट इट डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाल बाय मोर देन वन प्लेन, मोर देन वन प्लेन से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। एक ऑर्गेनिज्म है सिलेंडर, किसी भी प्लेन में आप इसको काट दें ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। इसके अलावा इसके बॉडी साइज को आते हैं, बॉडी साइज में दे मे बी स्मॉल दे मे बी लार्ज, छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। हार्ड राइस में माइक्रोस्कोपिक है, हार्ड राइस में क्या है माइक्रोस्कोपिक है, हेड में भी स्मॉल इन साइज माइक्रोस्कोपिक, मिसाल के तौर पे हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, ब्रैंकियोसेरेंथस ब्रेंकियो सेरेंथिस में है बड़े साइज वाली। बॉडी लेयर्स में ये तो है डिप्लोब्लास्टिक, इट कंटेन टू बॉडी लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक, एक तो एक्टोडर्म है, दिस वन ये जो आउटर लेयर है इट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, दिस इज द आउटर लेयर, आउटर लेयर कॉल्ड द एक्टोडर्म। सो इट विल गिव राइज टू दीज टेंटिकल्स, इट विल गिव राइज टू इसे टेंटिकल बनती है। एक है एंडोडर्म, एंडोडर्म है ये दूसरी वाली जो कि इनर लेयर, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्म एंड इट विल गिव्स राइज़ टू द फॉर्मेशन ऑफ माउथ, एक माउथ है इसका, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी, एक ही कैविटी है जिसपे इंजेस्शन भी होती है, इंजेस्शन इंजेस्शन और इंजेस्शन भी होती है, मतलब फूड इंटेक भी करवाती है और एक्स्ट्रा या वेस्ट फूड को इस यहाँ से रिमूव भी करा सकती है ये। सो एंडोडर्म विल गिव राइज टू माउथ एंड द माउथ वी कॉल गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी, जीवीसी गैस्ट्रो वास्कुलर कैविटी। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है ये कार्निवोरस, सो इट विल ईट जू प्लांक्टन्स, जू प्लांक्टन्स आर स्मॉल एनिमल्स इन द वाटर, क्रस्टेशियंस आर स्मॉल इनवर्टेब्रेट्स, क्रस्टेशियंस इसका पूड है। अब ये पूड ये कैसे लेगा, मिसाल के तौर पर ये पूड हो गया, इस पूड की ग्रेस करा देती है टेंटिकल की वजह से, इसको ये पकड़ देती है, ऐसे इसको ले आती है अपने माउथ में, सो फूड को यहाँ पे ले आती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, यहाँ इसके एंडोडर्म में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इन डाइजेस्टिव एंजाइम की बदौलत ये इन फूड को डाइजेस्ट करा देती है। After digestion, food will be absorbed into endoderm, and the remaining food will be discarded. इसको फेंक देती है। So बड़ा interesting mode of nutrition है। ये मिसाल के तौर पर ये tentacle हो गया, इससे food को पकड़ लिया, इसको ले आती है gastrovascular cavity में। यहाँ पे अगर ले आती है, तो यहाँ पे present endoderm, it will contain digestive enzymes. इसकी वजह से इसी फूड को क्या करा देती है डाइजेस्ट करा देती है। आफ्टर डाइजेस्टन फूड अंदर चला जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को वापस रिमूव करा देती है। ठीक है, चलते हैं इसके स्केलेटन पे कि इसका ये जो सिलेंड्रेट होते हैं इसकी स्केलेटन कैसे होते हैं। सो स्केलेटन पहली बात यहाँ इसमें प्रेजेंट है इन बिटवीन दीज टू, ये आउटर लेयर है इनर लेयर है, इन साइड प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड and these spaces in which this fluid is present we call the mesoglia, mesoglia ke naam se hum isko jaan sakte hai. Isme hard skeleton hai and the hard skeleton is composed of calcium carbonate CaCO3, iska calcium bana hota hai. Chaliye iske dekhte hai body systems ko, digestive system kaisi hogi, nervous system kaisi hogi, respiratory kaisi, chaliye is system ko one by one discuss karte hai. सो डाइजेस्टिव सिस्टम पे पहले आते हैं, अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम इसका है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम।
जस्ट लाइक से एक तीली जैसा है, तीली का ऊपर वाला हिस्सा खुला होता है, नीचे वाला बंद होता है, एक तीली है, ऊपर खुला है नीचे बंद पड़ा हुआ है। सो सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वी कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। यह एक ही ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग से पूर्ट की इंटेक हो रही है, मींस दैट इंजेस्शन प्लस इंजेस्शन सेम वे। जब भी हम कोई चीज शापर में डालते हैं तो ऊपर से डालते हैं, जब भी कोई चीज वापस निकालते हैं तो सेम उसी ही रास्ते से निकाल देते हैं। सो एक ही ओपनिंग है, एक ही कैविटी है जिसपे इंजेस्शन भी होती है और इंजेस्शन भी होती है, खुराक को अंदर भी ले जाती है और खुराक को बाहर भी फेंक देती है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वी कॉल्ड सैक लाइक। सो दिस इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम में देयर इज नो सीएनएस, कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ओनली डिफ्यूज नर्वस सिस्टम आर प्रेजेंट। सो नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप। रिस्पायरेशन में देयर इज नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आकर थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस। देयर इज नो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, सो जनरल बॉडी सर्फेस पे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर दी गई। रिप्रोडक्शन में दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, इसमें होता है एसेक्सुअल, इट टेक्स प्लेस बाय बडिंग, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट टेक्स प्लेस बाय स्पर्म, बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। फिर यहाँ पे बनते हैं जाइगोट, जाइगोट से बनता है लार्वा, एंड द लार्वा इज कॉल्ड प्लेनोला लार्वा, प्लेनोला लार्वा इसे कहा जाता है। फिर इसके हम लोकोमोशन कहते हैं। सो एक तो होता है इसका कॉलोनियल फॉर्म, मींस ओबिलिया कॉलोनी, दीज आर सीसाइल, कॉलोनियल फॉर्म में सिलेंट्रेट सीसाइल होते हैं, एंड सम आर फ्री लिविंग इंडिविजुअल होते हैं, वो होते हैं हमारे साथ मोटाइल, जिसमें एक टाइप मोमेंट होते हैं जेट प्रोपेल्शन मोमेंट, बहुत तेज चलती है वाटर में। एक होते हैं पुर्तगेज मैन अपवार, पुर्तगेज मैन अफवार, ठीक है। ये 12.1 सेंटीमीटर पर मिनट इसका क्या है स्पीड है, इस स्पीड से ये वाटर में रन करती है, ठीक है। सो लोकोमोशन में कॉलोनियल फॉर्म सिसाइल है, और फ्री लिविंग की क्या है जो इंडिविजुअल रहती है वो मोटाइल है। इसमें होते एक स्पेशल फेनोमेना पॉलीमॉर्फिज्म सेलेंट्राइड्स में, पॉली मींस मेनी, मार्क मीन शेप। सो द अकरेंस ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इन मोर देन वन फॉर्म, अकरेंस ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इन मोर देन वन फॉर्म वी कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अकरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मोर देन वन फॉर्म, ऑर्गेनिज्म एक होगी लेकिन मोर देन वन फॉर्म, बहुत से फॉर्म में आ जाएंगे। एंड दिस इंडिविजुअल वी कॉल्ड जोवाइड, means any form of individual, any form of individual we call zooid। मिसाल के तौर पर इसमें एक zooid है polyp, and this polyp is cylindrical, ये polyp क्या है cylindrical है ऐसे, this is cylindrical polyp। अब ये budding के जरिए बना दी थी एक umbrella shape structure, ऐसे एक umbrella shape structure, दिस अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर वी कॉल द मेडोसा। सो एक zooid हो गया एक फॉर्म, दूसरा zooid हो गया। अब ये सिलेंड्रिकल फॉर्म बना देती है मेडोसा एसेक्सुअली, पड़े के जरिए से ये बना देती है ये zooid, और फिर ये जो मेडोसा है ये सेक्सुअली, इट विल प्रोड्यूस स्पर्म, इट विल प्रोड्यूस ओवम, फिर प्लेनुला लार्वा बन जाता है, और प्लेनुला लार्वा से वापस ये बन जाता है पॉलिप। सो पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडोसा एसेक्सुअली, व्हाइल मेडोसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, एंड दिस कन्वर्जन वी कॉल्ड मीटाजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं, मीटाजेनेसिस। बुक में लिखा गया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है,
एक्चुअली क्यों? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉयड डिप्लॉयड को और डिप्लॉयड हैप्लॉयड को कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, इसलिए हम इसको टिपिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम नहीं दे सकते। सो दिस इज कॉल्ड मीटा जेनेसिस को हम कह सकते हैं। सो इसका काम होगा, पोलिप का काम होगा कैप्चरिंग ऑफ पूड, कैप्चरिंग ऑफ पूड, एंड इट विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन। सो अब मिसाल में दे सकते हैं आप ओबिलिया, हाइड्रा, जीली फिश इज नॉट अ फिश, ये इनवर्टेब्रेट है, ठीक है। सो आप बहुत सारे मिसालें और भी सिलेंड्रेट्स में दे सकते हैं। अब अगर सिलेंड्रेट्स मर जाते हैं तो इसकी जो बॉडी है ये है कैल्शियम कार्बोनेट की, इस बॉडी में ग्रो करा देती है कौन? एल्जी। सो इट विल फॉर्म्स कोरल, कोरल रीफ्स, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। व्हाट आर कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स आर ऑल दो स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिज्म इन विच एल्जी आर ग्रो इन द स्केलेटन ऑफ सिलेंड्रेट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेंड्रेट्स, होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। हमें अपने नाम याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।